ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में बहुत तरह के डाउट्स रहते हैं, बहुत तरह के सवाल रहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और इसके क्या क्या रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं, और साथ में ही इसको लेकर जो लोगों के मन में कॉमन क्वेरीज होती हैं उनका जवाब देने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम आपके डोनर एरिया से बालों को निकाल कर आपके रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं। यूजुअली जो आपका डोनर एरिया होता है जहाँ से हम बाल निकालते हैं वो आपके स्कैल्प का ऑक्सीपिटल यानी कि पीछे वाला पार्ट रहता है। रेसिपिएंट एरिया हम उस एरिया को कहते हैं जो खाली एरिया है जहाँ पर हम ये निकाले गए बालों को इम्प्लांट कर रहे हैं, तो यूजुअली ये आपका फ्रंटोटेम्पोरल और वर्टेक्स एरिया होता है। अब हेयर ट्रांसप्लांटेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम आपकी हेयर लाइन क्रिएट करते हैं। हेयर लाइन क्रिएशन एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है एक अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट करते समय जो मेन हमारा पर्पस होता है वो ये होता है कि पेशेंट को देखकर कोई बता ना सके कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जो उनके बाल आए वो इस तरह से नेचुरल वे में ग्रो करें कि उसे देखकर कोई भी यही समझे कि ये तो इनकी नेचुरल हेयर लाइन है, इन्होंने कोई ट्रांसप्लांट या कोई भी सर्जरी या कोई प्रोसीजर नहीं करवाया हुआ है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हेयर लाइन की जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम सारे सटीक रखें। जो क्लासिक मेल पैटर्न हेयर लाइन होती है वो एम शेप होती है, यानी कि बाल जो आगे की हेयर लाइन में होते हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेट पैटर्न में नहीं होते हैं, आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ कर्व्ड रहती है, थोड़ा सा मुड़ती है वो पीछे की तरफ और गोलाकार रहती है हेयर लाइन। हेयर लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं रहती। अगर आप एकदम सीधी हेयर लाइन बनवाएंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन में हेयर लाइन बनवाएंगे तो उससे आपके हेयर की लुक बहुत अननेचुरल आएगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हेयर लाइन क्रिएशन के समय आप अपने डॉक्टर के साथ में अच्छे से डिस्कस करें, आप उनकी बात समझें, आपकी बातें उनके सामने रखें और उसके बाद में दोनों की सहमति से एक अच्छी हेयर लाइन का निर्माण किया जाए। कभी भी हेयर लाइन बनवाते समय ये जिद ना करें कि आपकी हेयर लाइन और नीचे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेयर लाइन जरूरत से ज्यादा नीचे भी कर दी गई तो उससे आपके हेयर का लुक बहुत अननेचुरल हो जाता है और दूर से देखने पर ही ऐसा पता चलता है कि इस आदमी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है। हेयर ट्रांसप्लांट करते समय पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता है, ये सर्जरी हम लोकल एनेस्थीजिया के अंडर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप इसका होता है वो होता है स्लिट क्रिएशन, यानी कि हम छोटे छोटे इंसीजन आपके स्कैल्प की स्किन में देते हैं आपके रेसिपिएंट एरिया पर, उन जगहों पर जहां पर हमें निकाले गए बालों को डालना है। ये स्टेप सबसे क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि ये इंसीजन या स्लिट्स जो हम बनाते हैं इन्हीं पर सब कुछ निर्भर करता है कि आपके हेयर की डेंसिटी कितनी रहेगी, आपके हेयर का डायरेक्शन क्या रहेगा और आपके हेयर का एंगुलेशन क्या रहेगा। इसके अलावा जो आगे आगे वाली आपकी हेयरलाइन का पार्ट होता है स्लिट्स बनाते समय, वहां पर थोड़ी सी इरेगुलरिटीज बनाना भी बहुत जरूरी होता है। जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति की हेयरलाइन देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हेयरलाइन एकदम रेगुलर नहीं होती है, कर्व तो है ही हेयरलाइन, कर्व होने के साथ में ही थोड़े बहुत प्रोजेक्शन हेयरलाइन से निकलते रहते हैं, थोड़ी आगे पीछे होती है हेयरलाइन जिससे कि वो नेचुरल नजर आती है। तो आपकी हेयरलाइन में भी जब हम इंसीजन देते हैं उसके बॉर्डर पर भी हम छोटी छोटी सी इरेगुलरिटीज बनाते हैं, इन्हें हम इरेगुलरिटीज कहते हैं, मैक्रो और माइक्रो इरेगुलरिटीज कहते हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल होता है आपको एक अच्छी नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन देने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो आपका डोनर एरिया है यानी कि जो आपका ऑक्सीपिटल एरिया है वहां पे हम पंच करके जो आपके हेयर की रूट्स हैं उन्हें डिटैच करते हैं। इस स्टेप में एक पंच का इस्तेमाल करके आपके जो हेयर की रूट्स हैं उन्हें हम डिटैच करते हैं और फिर इन्हें पुल करके हम निकाल लेते हैं। तो ये जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने जो हेयर आपके रिमूव किए हैं ये हेयर रिमूव करके इन्हें ही हम रेसिपिएंट साइड पर इम्प्लांट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आपका जो रेसिपिएंट एरिया होता है वहां पर
उसको वापस से लगा देते हैं। तो ये जो हमने आपको बताया ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं FUE हेयर ट्रांसप्लांट के। इस वीडियो में अपना डिस्कशन हम FUE हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन वाले हेयर ट्रांसप्लांट तक ही लिमिटेड रखेंगे। FUT हेयर ट्रांसप्लांट एक सेपरेट टॉपिक है जिस पर हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट हम आपकी कुछ कॉमन क्वेरीज आंसर करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। सबसे पहली क्वेरी तो ये रहती है कि डॉक्टर क्या ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट एक तरह की सर्जरी है, तो कई पेशेंट्स के मन में ये डाउट आ जाता है कि हमारे सिर की सर्जरी हो रही है तो इससे कहीं हमारा ब्रेन डैमेज होने का तो कोई चांस नहीं रहेगा, इससे कहीं मैं अंधा तो नहीं हो जाऊंगा, बहरा तो नहीं हो जाऊंगा, कोई मेरी नर्व डैमेज तो नहीं हो जाएगा, दिमाग को भी नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद फ्यूचर में मुझे कैंसर होने का रिस्क बढ़ तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी बातें हैं, ये सारी मिथ हैं, इनके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से फ्यूचर में आपको कैंसर का रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ता है, इसका आपके दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। जो आपके स्कैल्प की स्किन है, हम सिर्फ आपकी स्किन तक लिमिटेड रहते हैं, इसमें इंसीजन स्किन से ज़्यादा डीप जा ही नहीं सकते। इसमें तो आपके ब्रेन को, आपकी नर्व्स को, आपके हियरिंग एबिलिटी को, आपकी आईज को किसी भी तरह का कोई नुकसान होने का चांस नहीं रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ है। पिछले कुछ टाइम में अखबार में ऐसी खबरें आई हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करते समय ऑपरेशन टेबल पर ही एक पेशेंट की डेथ हो गई, तो उससे काफ़ी शोर मचा था, काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली थी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक बात समझना ज़रूरी है कि कोई भी सर्जरी अगर सही कंडीशंस में नहीं की जाए, अगर डॉक्टर की गाइडेंस में सारे प्रिकॉशन लेकर केयरफुली कोई प्रोसीजर नहीं किया जाए, तो डेफिनेटली उस प्रोसीजर में इस तरह के रिस्क रहते हैं। कई जगह बिना डॉक्टर के सुपरविजन के ही हेयर ट्रांसप्लांट आजकल किया जा रहा है, और पेशेंट्स भी कई बार सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के चक्कर में ऐसे सेंटर्स पे पहुंच जाते हैं जहां पर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर ही नहीं है, कोई क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन या क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है। बिना डॉक्टर की मौजूदगी के ही कई बार लोग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहे हैं। मेरा यही सजेशन रहता है लोगों को कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट रहती है अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो ऐसे प्रोसीजर करवाते समय आप सबसे पहले रिजल्ट को देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका आपकी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े, और जो पैसा लगता है इसमें उसे आप दूसरे नंबर पर देखिए। हाँ, पैसा भी देखना ज़रूरी होता है, आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर होता है इंसान लाइफ टाइम में यूजुअली एक बार ही करवाता है, तो अगर आप ये प्रोसीजर करवाते हैं और इसका रिजल्ट आपको डिसअपॉइंटिंग मिलता है, तो आपको फिर करेक्शन सर्जरी भी करवानी पड़ती है। और दूसरी बात, जो आपके डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकाले हैं उनका तो नुकसान होगा ही आपको, साथ के साथ अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो सस्ते के चक्कर में आपके पैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो सस्ते के चक्कर में आप किसी ऐसी जगह से सर्जरी ना करवाएं जहां पर कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। बिना डॉक्टर के इस तरह की सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, ऑब्वियसली ऐसे में कई तरह के रिस्क रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत माइनर सर्जरी है, इसमें पेशेंट को बेहोश भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है। तो अगर डॉक्टर के सुपरविजन में आप ये सर्जरी करवाते हैं तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। तो आप जिस भी सेंटर पर ये सर्जरी करवाएं, आप ये मेक श्योर करें वहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ पर सारी इमरजेंसी फैसिलिटीज मौजूद हैं। इन दी नटशेल में यही कहना चाहूँगा कि ये सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसे एक अच्छे सेंटर पर अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में आप करवाएं, तो इसमें आपको इस तरह का कोई भी मेजर रिस्क नहीं रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद इसका सक्सेस कितना रहता है, क्या लगाए हुए सारे बाल हमारे उग जाएंगे, क्या इसमें जहाँ जहाँ पर हम हेयर कवर करेंगे वहाँ पर सब जगह पर बाल आ जाएंगे, देखिए अगेन ये चीज़ भी आपके डॉक्टर के, आपके सेंटर के स्किल पर डिपेंड करता है। आप किसी भी सेंटर से सर्जरी करवाने से पहले उनके पास्ट रिजल्ट्स को ज़रूर देखें, तो उससे आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि वहाँ पर पेशेंट्स के सर्जरी के रिजल्ट किस तरह के आते रहे हैं। तो जब आप किसी अच्छे सेंटर से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाते हैं तो वहाँ पर आपके 95 से 99% तक हेयर सक्सेसफुली ग्रो कर जाते हैं,
जो फॉलिकुलर ट्रांजेक्शन रेट होता है वो 1-4% तक वेरी करता है। नेक्स्ट सवाल रहता है कि बाल कितने समय में ग्रो करने लग जाएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के बाद में आपके बालों को ग्रो होने में काफी समय लगता है। जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं एक बार तो लगभग 20 दिन से लेकर एक महीने के टाइम में वो सारे हेयर शेड हो जाते हैं। तो कई बार पेशेंट्स ये देखकर घबरा जाते हैं कि जो भी न्यूली इम्प्लांटेड हेयर हैं वो सूख कर एक बार झड़ जाते हैं महीने भर के अंदर, लेकिन उसके बाद में उनकी नए सिरे से ग्रोथ स्टार्ट होती है और इनकी पूरी ग्रोथ आने में लगभग 8 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। एक सवाल रहता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में ये ट्रांसप्लांटेड हेयर कभी भी शेड नहीं होते हैं, क्या ये जिंदगी भर परसिस्ट करते हैं? तो दोस्तों ये चीज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट के जो डोनर हेयर है उनकी क्वालिटी कैसी है, उनकी थिकनेस कैसी है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद में अपने हेयर की कितनी केयर रखते हैं, क्या आपके डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन जैसे कि मिनोक्सिडिल और फिनेस्टेराइड को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या ट्रांसप्लांट के बाद में आपने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या PRP थेरेपी रेगुलरली ली है। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके हेयर कितने टाइम तक लास्ट करेंगे। यूजुअली 5-7 ईयर्स तक ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी में कोई कमी नहीं आती है, लगभग 7 साल के बाद में इनकी डेंसिटी में कमी आने लगती है और ये हेयर धीरे धीरे करके थिन होने लगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट का कोई परमानेंट साइड इफेक्ट तो नहीं होता, जैसे कि हमने पहले भी इस वीडियो में बताया है हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत सेफ सर्जरी है, इसमें आपके ब्रेन पर आपके नर्व्स पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इससे स्किन कैंसर होने का कोई रिस्क नहीं रहता है। हाँ कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद में, आपके फोरहेड पर आपकी आईज के अराउंड थोड़ी सी स्वेलिंग रह सकती है पहले कुछ दिनों में, इसके अलावा पोस्ट प्रोसीजर आपको डोनर एरिया में थोड़ा सा पेन रह सकता है, लेकिन ये जो सारे साइड इफेक्ट्स हैं ये टेम्परेरी हैं और एक महीने के अंदर अंदर ये सारे साइड इफेक्ट्स कम्प्लीटली चले जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस रखने जरूरी हैं, क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में तुरंत काम पर जा सकता हूँ? तो दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में मोस्ट केसेस में आप नेक्स्ट डे से अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। हैवी वेट लिफ्टिंग आपको लगभग 1 महीने तक नहीं करनी चाहिए, तो किसी तरह की हैवी एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग प्रोहिबिटेड होती है 1 महीने के लिए, लेकिन अगर आपका सेडेंटरी जॉब है आपका नॉर्मल रूटीन डेली वर्क आप नेक्स्ट डे से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी किसी ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है? दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद में उनकी हेयर शेडिंग कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी और उन्हें किसी और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन को, आपके डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन को कंटिन्यूसली यूज करते रहें, नहीं तो जो आपके पहले से मौजूद बाल थे वो धीरे धीरे करके शेड करना कंटिन्यू करेंगे, आपकी हेयर लाइन और रिसीड करने लगेगी और इस वजह से आपके स्कैल्प पर बॉल्डनेस आने लग जाएगी। तो हेयर ट्रांसप्लांट का आपके जो पहले से मौजूद हेयर है उनकी शेडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनकी शेडिंग घटती है ना ही बढ़ती है। तो जो आपका नेचुरल प्रोग्रेस है हेयरलाइन रिसेशन का, अगर उसे स्टॉप करना है तो आपको उसका ट्रीटमेंट तो जरूर कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। एक और सवाल होता है हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांट में से कौन सा ट्रीटमेंट आप प्रेफर करें? तो ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका हेयर लॉस कितने एरिया में मौजूद है और आपका डोनर एरिया कितना हेल्दी है। अगर आपका डोनर एरिया बहुत छोटा सा है, वहां पर बालों की डेंसिटी अच्छी नहीं है, वहां के बाल ज्यादा थिक नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट एडवाइस करते हैं। ऐसे केसेस में हेयर पैच लगाना बेटर रहता है, लेकिन अगर आपका हेयर लॉस का जो एरिया है वो रिलेटिवली लिमिटेड है और आपकी डोनर एरिया की हेयर डेंसिटी अच्छी है, वहां पर हेयर थिकनेस अच्छी है, तो हम डेफिनेटली आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड करते हैं। हाँ हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी जरूर है, लेकिन इससे जो आने वाले बाल होते हैं वो टोटली आपको नेचुरल हेयर की तरह ही मिलते हैं। इसके ऑपोजिट जब आप हेयर पैच लगाते हैं तो पहली बात तो ये कि हेयर पैच जब कोई पास से देखता है तो वो इजीली विजिबल रहता है कि आपने एक विग या हेयर पैच लगा रखा है, वो बाल आपके पास से देखने में नेचुरल नहीं लगते हैं। दूसरी बात, उसमें आप अपना हेयर स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं, एक फिक्स्ड हेयर स्टाइल आपको हमेशा रखना पड़ता है। तीसरी बात, ऐसे एरियाज में जहाँ पर वेदर के एक्सट्रीम्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है,
तो ऐसे में हेयर पैच को लगाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिर के नीचे पसीना आने लगता है, डैंड्रफ ज्यादा बढ़ने लगता है, बहुत सीवियर इचिंग होने लगती है। तो ऐसे केसेस में हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि अगर आप करवा सकते हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ही प्रिफर कीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके मन में जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। यदि आपके मन में और कोई डाउट्स हों तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, विल बी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।